प्रणाम। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री बाबा महाकाल। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फीवर, बुखार हो जाना। सभी लोगों को मैक्सिमम जनरल चीजों में ठंड लगने पे, चोट लगने पे और इन्फेक्शन होने पे बुखार हो जाता है। तो आज हम बुखार के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताएंगे कि बुखार में कैसे हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे कौन सी दवाइयां हैं जो बुखार में आप लोगों को जल्दी से आराम बता सकते हैं। ऐसे तो बुखार के लिए बहुत सी सारी दवाइयां हैं, इन कुछ हम स्पेसिफिक मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं, इनको लेने के बाद में आपको काफी बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। बुखार की सबसे पहली मेडिसिन होती है इपेटोरियम पर्फ। इपेटोरियम पर्फ देख लीजिए, इपेटोरियम पर्फ है 30। ये आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन होती है ब्रायोनिया अल्बा, ब्रायोनिया अल्बा 30। ये भी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, ये भी आप दिन में 3 बार, 3 से 4 बार ले सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन को, इपेटोरियम और ब्रायोनिया अल्बा को दोनों को मिला करके दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। इसमें बुखार में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। एक और मेडिसिन होती है बैप्टीसिया। बैप्टीसिया ये सिर्फ आपको दिन में 1 बार लेनी है, कैसे भी बुखार हो ये सिर्फ दिन में आपको 1 बार लेनी है। और जब बहुत तेज़ी से बुखार होता है, 102 के ऊपर बुखार जाता है, जब हाई ग्रेड फीवर होता है, तब एक दवा होती है बेलाडोना। ये आप आधे आधे घंटे पे, एक एक घंटे पे ले सकते हैं, एक कप पानी में 3-4 बूंद डाल के ले सकते हैं, जिससे आपका बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लाल हो जाता है चेहरा आपका, जैसे हाई ग्रेड फीवर में बिल्कुल लाल हो जाता है, रेडनेस होती है, रेस्टलेस होती है, आप इसको बेलाडोना ले सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। एक बायोकेमिक कम्बिनेशन होता है, बायोकेमिक कम्बिनेशन नंबर 11, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी भी आपको 6-6 गोलियाँ, बायोकेमिक कम्बिनेशन 11 की 6 गोलियां दिन में 4 से 5 बार लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। खाने में तरल पदार्थ खाइए और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए आप, तो आपको बहुत जल्दी से आराम मिलेगा बुखार में। अननोन काज से अगर कोई बुखार हो गया है तो जनरल से आप इसको ले सकते हैं, इसको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इससे टाइम पर अगर जैसे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।